So thank you very much. Now I would request Salman Khan to speak few words, please. तो आप शायद मुझसे ये पूछें कि मेरा साइकिलिंग से क्या नाता है और अरुणाचल से क्या नाता है. तो पहले साइकिलिंग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि बचपन से जो साइकिलिंग शुरू की है आज तक के ख़त्म नहीं हुई है. हर जगह जाता हूँ साइकिलिंग करता हूँ, शूटिंग पर जाता हूँ साइकिलिंग करते हुए जाता हूँ, रात को कभी साइकिल पर निकल जाता हूँ. मैंने प्यार किया, मैं बहुत सारा साइकिलिंग था. उसके बाद एक पिक्चर आई किक, उसमें भी साइकिलिंग था. तो साइकिल पे स्टंट्स व्हीलीज वगैरह पहले बहुत किया करता था, अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है मुझसे. अब अरुणाचल प्रदेश, मुझे ये जगह पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है कि I've just been wanting to go there for the longest time. और फिर मैंने एक फिल्म की ट्यूबलाइट, उसमें एक बच्चा था और जिन जिन ने फिल्म देखी उन सबको बताया कि मेरे उस बच्चे के साथ क्या नाता है, मातिन. तो जब मातिन मेरी ज़िंदगी में आया ड्यूरिंग ट्यूबलाइट, आई जस्ट गॉट टू नो कि ये जो इतना सिंपल बच्चा है और ईटानगर का है, अरुणाचल का है, और जब भी वो मुझसे मिले वो मुझसे कहे बीबिंग ईटानगर आओ. तो ऐसे क्यों आए ईटानगर भाई? इसे क्योंकि इतना इधर इतना पोल्यूशन है, वहाँ पे हर चीज़ इतना सुंदर है, तुम्हारे ये सब बाल भी चला जाएगा, दाढ़ी का कान का बाल भी चला जाएगा. इट इज़ इतना ऑक्सीजन है वहाँ पर, यहाँ पर पोल्यूशन है, इतना पहाड़ी है, वहाँ पे हमारे पास मच्छी है, रिवर है. तो ही जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट ईटानगर, पासीघाट. सो आई गॉट रियली फैसिनेटेड विद दैट. अब आई ट्राई टू गो देयर, बहुत बार जाने की कोशिश की, नहीं हो पाया. नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक इट फॉर दिस इवेंट एंड आई होप आई कैन मेक इट फॉर दिस इवेंट. क्योंकि मैं दिल्ली में शूटिंग कर रहा हूँ, आई एम शूटिंग फॉर भारत. तो मेरे को अगर एक दिन भी मिले वहाँ से तो द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. अच्छा, और सर ने भी डरा दिया कि बोले कि ये गूगल मैप पर सबसे मोस्ट डिफिकल्ट रेस है. सो लेकिन अपने पास भी तो एक तोड़ है, हमारे पास बीइंग ह्यूमन ई साइकिल है, कम पेडल मारना पड़ेगा. तो बीइंग ह्यूमन ई साइकिल लेके अपन उसके अंदर घुस जाएंगे. सो फॉर ऑल द पीपल हु ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेस, यू नो यू शुड डू सम जुगाड़ लाइक दिस. अब वो तो प्रोफेशनल्स हैं, वो तो साइकिल चलाएंगे चलाएंगे, अपन लास्ट भी आएंगे. एटलीस्ट वी कैन डू दैट
the climb and see the beautiful terrain, enjoy the wadiyan. So this is, bachche ko meri speech achhi lag rahi hai. So this is my thing, my love for Arunachal, my love for cycling. Aur jitni bhi jo bachpan mein meri injuries hui hain, wo hui hain cycle ke wajah se. Aur phir I remember lots of mothers used to call me after maine pyar kiya, saying that mere bachche se baat karo, seedhiyon se cycle nahi chalao niche, wheelie nahi karo, fast mat chalao. Because a lot of kids at that point of time trying to follow what I did in maine pyar kiya, kisi ka heart toota, kisi ka wrist toota. To cycling ka best point ye hai ki agar girte bhi ho to ek thoda sa, you know, ghasra lag jata hai, you know, thodi si khal nikla hai, ek aadh haddi toot jati, wo wapas se jud jati. So I think cycling is the safest in terms of, you know, getting injured. Motorcycle se gir gaye bhai to ek lamba choda repair job hai, ya repair bhi nahi hota aadmi uske baad. Cycle se gir jata hai to wo bahut jaldi repair ho jata hai. So this cycling is, I think, the best thing ever. I think cycling is also better than walking, because cycling mein pedal marna padta hai, to wo jo uthna baithna ek umar tak, you know, where you can barely walk, but if you cycle, so that movement of getting up, sitting down, walking is a very easy movement. Transportation ke liye cycle. Aur ye jo ek hamare yahan par ek chacha hai jo ke anda bechte hain hamari building mein, wo aaj bhi, he must be about 68, 70. Till today, he cycles and he sells eggs in our building. So it's not only our building, he sells it all over Bandstand, all over Carter Road, all over Hill Road. Ek aadmi anda leke cycle ke upar bechta hai. Phir hamare akhbar wale, pehle akhbar cycle ke upar becha karte the. Doodh wale cycle ke upar becha karte the. Ab pata nahi kyun ye cycle ka fad, you know, ये जो एक नेसेसिटी थी वो ख़त्म हो गई. आई डिड अ साइक्लेथॉन फॉर बींग ह्यूमन अबाउट 5-6 ईयर्स अगो. पीपल वॉन्ट जॉइन द इवेंट बट साइकिल ही नहीं थे, सो पीपल हैड टू गो एंड बाय साइकिल्स, और साइकिल की दुकानों में साइकिल्स ख़त्म हो गए थे. सो आई नो अ रिकॉर्ड दैट देर ओनली अबाउट 2000 साइकिल्स एट दैट पॉइंट टाइम इन दैट होल बांद्रा खार डांडा जुहू दैट होल एरिया. So I was quite shocked. So then I thought that when I grow up, which I did a few years ago, I will start manufacturing cycles. So I did, you know, Being Human cycles. So now this is my nata with Arunachal and with cycling. What do you say, baby? Bahut badhiya.